लिया। गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव को सीजनल सनातनी बताते हुए तुष्टिकरण के पोषक की संज्ञा दी है। तेजस्वी जी सीजनल सनातनी है, तुष्टिकरण के पोषक है, वोट के खातिर ये लोग रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को भी इनके पिताजी ने अवैध तरीके से जब इनकी सरकार थी काफी संख्या में लोग आए थे। ये वोट के सौदागर हैं, न कि ये सनातनी पुजारी, ये सनातन का लवादा ओढ़ करके तुष्टिकरण की राजनीति, उसे तुष्टिकरण की राजनीति करार दिया। गिरिराज सिंह ने भी फिल्म द केरला स्टोरी पर राजनीति करने वाली केरल की सरकार के मुंह पर करारा तमाचा लगा है। केरल के ईसाइयों का युवा संगठन द केरल कैथोलिक यूथ मूवमेंट यानी KCYM फिल्म द केरल स्टोरी को जगह जगह दिखाएगा। द केरल कैथोलिक यूथ मूवमेंट ने यह निर्णय इडुक्की चर्च प्रशासन के समर्थन में लिया है। इससे पहले लव जिहाद और ISIS की भयावहता को दिखाने वाली इस फिल्म को इडुक्की और थॉमरेसरी चर्च प्रशासन ने 10वीं और 12वीं तक के बच्चों को दिखवाया था। इस दौरान उन्हें लव जिहाद पर पुस्तकाएं भी वितरित की गईं। द केरला कैथोलिक यूथ मूवमेंट केरल के कैथोलिक ईसाई युवाओं का बड़ा संगठन है। KCYM के डायरेक्टर पादरी जॉर्ज वेल्ला कुडीरील ने ये भी कहा कि हम इस बात को लेकर चिंतित हैं कि लड़कियों को शादी के लिए धर्मांतरण को कहा जाता है और फिर उनके माता पिता भी उनसे नहीं मिलने पाते। ये फिल्म दिखाने के पीछे कोई राजनीतिक एंगल नहीं है। वहीं हिमाचल प्रदेश में पंजाब के पूर्व मंत्री का बेटा नशीली दवाओं के साथ पकड़ा गया। उसके साथ चार अन्य लोग भी गिरफ्तार हुए हैं। आरोपियों के कब्जे से 42.89 ग्राम हेरोइन और वजन मापने की मशीन बरामद की गई है। सभी आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान प्रकाश सिंह, अजय कुमार, अवनी शुभम कौशल और बलजिंद्र के रूप में हुई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के द्वारका स्थित यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में 2 दिवसीय वैज्ञानिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर